प्रदेश में आज से 25,150 कोरोना टेस्ट प्रतिदिन हो सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से जांच की क्षमता को बढ़ाने को लेकर 25,000 तक का लक्ष्य रखा गया था। आज से प्रदेश में 25,150 कोरोना जांच प्रतिदिन हो पाएगी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इस पर कहा कि जांच की क्षमता बढ़ा दी गई है। प्रदेश में भले ही 10,000 से ऊपर कोरोना मरीजों की संख्या हो गई है, लेकिन रिकवरी दर भी 73% से अधिक है। इस दौरान रघु शर्मा ने कहा कि 7,614 लोग ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने में राज्य सरकार के साथ चिकित्सा कर्मी, पुलिस प्रशासन और आम जनता की मेहनत रंग ला रही है। हमारे लिए खुशी की बात है कि राजस्थान ने जो लक्ष्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतिदिन जांच क्षमता का दिया था चिकित्सा विभाग को 25,000 टेस्ट पर डे करने का, आज राजस्थान की टेस्टिंग क्षमता 25,150 टेस्ट पर डे करने की हो गई है। और पॉजिटिव केसेस चाहे 10,696 हुए हों, लेकिन रिकवरी का जो परसेंटेज है वो भी हमारा 73 के ऊपर है और 7,814 लोग ठीक होके और रिकवर कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे जो एक्टिव केसेस हैं वो 2641 बचे हैं, माइग्रेंट के और हमारे लोकल सब फिगर को मिला के 2641 लोग एक्टिव केसेस के रूप में हैं अभी। और जिस ढंग से चाहे डबलिंग का रेट हो, वो हमारा आज भी 21 दिन है, 241 डेथ्स हुई है राजस्थान के अंदर, जो अधिकांश कोमॉर्बिडिटी की वजह से हुई है। तो कुल मिला के जो राजस्थान में ये संक्रमण को हम नियंत्रित कर पाए हैं वो हमारे डिपार्टमेंट की, डॉक्टर्स की टीम की मेहनत है, नर्सिंग कर्मचारी, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, प्रशासन, पुलिस, सब लोगों के सहयोग से आज राजस्थान के हर पैरामीटर को, चाहे नेशनल इंडेक्स देख लो 10 बड़े राज्यों का, उसमें भी हमारी चाहे एक्टिव केसेस की दर हो, हमारी रिकवरी का परसेंटेज हो, चाहे मोर्टिलिटी रेट हो, हर स्थिति पर राजस्थान टॉप राज्यों में शुमार हो रहा है आज। और आगे भी हमारी जांच की क्षमता जो लक्ष्य दिया है मुख्यमंत्री जी ने, हर जिले में जांच की क्षमता विकसित करने का, उस पर हमारा विभाग